टीकमगढ़ जिले के सागर हाईवे पर बड़ा गांव के पास धसान नदी पर बन रहे पुल का स्लैब डलने के साथ ही ढह गया। इससे पुल की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। विदित हो कि 2 माह पहले इसी पुल के बीच के पिलर का केप भी डलते समय गिर गया था। इस पुल को लेकर लगातार लापरवाहियां की जा रही है, लेकिन विभाग है कि वह ठेका कंपनी के सामने नतमस्तक बना हुआ है। जिले को सागर संभाग से जोड़ने वाले टीकमगढ़ सागर हाईवे पर धसान नदी पर बन रहे पुल का शुरू से ही लापरवाहियों से भरा रहा है। 2 साल का काम 4 साल में पूरा न होने के साथ ही इसकी गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विदित हो कि 2 माह पूर्व कंपनी द्वारा नदी के बीच का सबसे मुख्य पिलर केप का निर्माण किया जा रहा था और वह भर भरा कर गिर गया था। वहीं देर शाम ठेकेदार द्वारा शुरुआत में 2 पिलरों पर स्लैब डाला गया था। यह स्लैब भी 24 घंटे नहीं चल सका और सुबह 9 बजे के लगभग स्लैब बीच से टूटकर नीचे आ गया। जिस स्थान से स्लैब टूटा है वहां से वह चकनाचूर हो गया है और उससे निकला मटेरियल उसकी गुणवत्ता को दर्शा रहा है। पुल का स्लैब गिरने से इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं इसकी सूचना लगते ही ब्रिज कॉरपोरेशन के जिम्मेदार अधिकारियों ने अपने फोन बंद कर लिए और किसी से संपर्क नहीं हो सका। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। संजय खांडे, मुख्य अभियंता सेतु लोक निर्माण विभाग भोपाल। बताएं साहब, ये दूसरी बार हुआ है इस तरीके का, दूसरी बार गिरा हुआ है। पहली बार भी जानकारी आपको मिली थी? हाँ, पहली बार भी गिरा नहीं है, पहली बार कंस्ट्रक्शन पियर केप डल रहा था। पियर केप डरने के दौरान एक शटरिंग प्रॉपर नहीं लगी थी, उसके कारण उसकी पियर केप क्षति हुई थी। किसी प्रकार को गिरने का नहीं हुआ था। पियर केप में शटरिंग थोड़ा सा डिसलोकेट हुआ था, उसको उसी समय कार्यपालयंत्री और जो टीम कंसल्टेंट लगी हुई थी मैसर्स एलिन मालवीय एंड कंपनी की, उनके आरी और एफी ने उस शटरिंग को तोड़वा दिया गया और जो पियर केप था उसको रिजेक्ट करके पुनः निर्धारित मापदंड के पियर केप डलवाए गए। अभी 18 तारीख की रात को, जैसा कि ये धसान नदी पर बनने वाला ब्रिज जो है ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट गर्डर स्लीप का ब्रिज है और इसमें 18 तारीख की नाइट को 2 गर्डर के लॉन्चिंग की जा रही थी। लॉन्चिंग में मैकेनिकल और तकनीकी त्रुटि होने के कारण लॉन्चिंग 2 गर्डर की गई, उनकी प्रॉपर सपोर्ट प्रॉपिंग और ब्रेसिंग नहीं किए जाने के कारण 19 तारीख को सुबह इसके 2 गर्डर डिसलोकेट हुए हैं, जिसके कारण वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सर, ऐसे में कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी, किसी की जान भी जा सकती थी उस दौरान? निश्चित ही उसी सब कारणों की जाँच करने के लिए आज भोपाल और ग्वालियर से करीब 8 लोगों की तकनीकी उच्च स्तरीय टीम विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है और भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना न हो इस पे दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। और इसके लिए जो भी, यदि सपो ठेकेदार जिम्मेदार हो तो ठेकेदार, सुपरविजन कंसल्टेंसी यदि एजेंसी जिम्मेदार होगी तो उसकी जिम्मेदारी का उत्तरदायित्व निर्वहन करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी चूंकि अभी आप देख रहे हैं, अभी मेरी टीम पूरी के पूरी विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। आज भौतिक निरीक्षण किया गया है, कल पूरे स्ट्रक्चर डिजाइन प्लस अभिलेखों के आधार पर जो जो प्रोसेस ब्रिज कंस्ट्रक्शन निर्माण के लिए सुरक्षित एवं सुगम निर्माण कार्य हो उसके लिए क्या क्या सावधानियां नहीं रखी गई है उनका अन्वेषण किया जाएगा और उसके आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया। सर, जांच से पहले मलबा हटवाने की परमिशन दी गई थी क्या? जी हाँ, चूँकि गर्डर 45 डिग्री के एंगल पर था, ऊपर पियर केप से नीचे आ रहा था और कोई फर्दर किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो, क्योंकि ये जो गर्डर है एक गर्डर की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।